Hello friends, this is Manshu Mishra and welcome to the another video. That is the video contain the paper of ICAR 2017. तो सिर्फ इसमें तो ढेर सारे टॉपिक्स हैं. एक पेपर में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर सब आते हैं, बट मैं आपको सिर्फ एग्रीकल्चर का ये पोर्शन दिखा रहा हूँ. अगर कोई एग्रीकल्चर की सिर्फ अगर प्रिपरेशन करना चाह रहा है, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देखना चाह रहा है, तो वो सही वीडियो खोला है. आज मैं आपको क्वेश्चन के साथ आंसर क्लिक टिक किया हुआ और आंसर के साथ पूरा सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन तक आपको दिखाऊंगा एक एक चीज़. सो लेट्स स्टार्ट. अब जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 121 का ये आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा. ये ऑल ऑफ द अबव क्यों होगा, इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है सॉल्यूशन. एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, ये जो ऑप्शन करेक्ट है उसका सॉल्यूशन भी नीचे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन. सो आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सारी वीडियो दे दूंगा. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 123. क्वेश्चन नंबर 123 एंड 24. अब मैं आपको दिखाऊंगा 25 क्वेश्चन. आप पॉज करके इसे लिख सकते हैं, देख सकते हैं. सो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है, और बड़ा वीडियो व्यूअर्स को भी लगता है कि नहीं बहुत बड़ा वीडियो है. सो आपको ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस नहीं गिरेगा ना अंदर से देखने में. आप इसे देख, छोटा वीडियो है, आप थोड़ा क्विकली इसे लर्न कर लोगे, पढ़ लोगे. सोच रहे हो थोड़ा सा 5 मिनट का वीडियो रहेगा तो होगा ना कि 5 मिनट का है तो देख लेते हैं, कुछ नॉलेज मिल जाएगा. अगर 10 मिनट 20 मिनट का होगा तो होगा नहीं, कुछ तो समय देना चाहिए. रुक जाओ अभी. सो ये क्वेश्चन नंबर 128 खत्म होगा. आप क्वेश्चन नंबर 129 दिखाते हैं आपको. क्वेश्चन नंबर 129 विद सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 130 एंड 31 विद सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 132 एंड 33-34 विद सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36. अगर आप एग्रीकल्चर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सिर्फ एग्रीकल्चर आपको अटेम्प्ट करना है, तो प्लीज़ मेरी बात माने कि आप सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ के ना जाएं. आप बायोलॉजी का भी अपने पास ज्ञान रखें, क्योंकि बायोलॉजी भी पूछी जाती है एग्रीकल्चर पोर्शन में. क्योंकि ये सब जो ये क्वेश्चन है, ये बॉटनी के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन C4 पाथवे, ये भी सब बायोलॉजी के क्वेश्चन है. C4 पाथवे कहाँ एग्रीकल्चर में आता है. सो आप इसे देखें आराम से, अच्छे से आपको ये समझ में आएगा. आते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेट, क्वेश्चन. अब हम आपको दिखाते हैं 144 क्वेश्चन. 144 से आप 145 को अच्छे से देखें, इसके बाद मैं आपको 46 अलग से दिखा देता हूँ. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप बायोलॉजी भी पढ़ के जाते हो तो इसे प्लीज़ पढ़ लें, ये ज़रूरी होगा आप लोग के लिए. सो दोस्तों ये रहा 149 का ये सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे भी दिया हुआ है ऊपर, तो हम इसे भी देख लेंगे. आते हैं क्वेश्चन नंबर 151 एंड 152 पे. इसे ब्लू कलर से जो पेन से टिक लगा हुआ है वो आंसर है इसका. ये 152 जो है, 152 का मेन आंसर यहाँ पे है. आप एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक बार आंसर जरूर पढ़ें. क्वेश्चन पढ़ें, आंसर जरूर पढ़ें. सो आप वी अवेयर रहें, आपको क्वेश्चन के साथ आंसर जरूर पढ़ना है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. ये 162 तक का है, 62 का आंसर यहाँ पे है ऊपर.
अब आते हैं 171 क्वेश्चन, 173 एंड 174 एंड दिस इज 175 क्वेश्चन। ये रिपीटेड क्वेश्चन सबके लिए पूछता है, BHU एग्रीकल्चर सबके लिए, ICAR के लिए। और ये पेपर आपके सामने जो है वो ICAR का है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें फॉर आवर एफर्ट्स, हमारे मेहनत को और इंकरेज करें कि हम और भी अच्छे वीडियोस बनाएं आप लोगों के लिए पढ़ाई से रिलेटेड। ये चैनल को मैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहता हूँ फॉर नॉलेज पर्पज़, की हर लाइन की नॉलेज आप लोग को मिले, आपको नीट JRF MSc BSc MSc नीट नेट JRF नीट एम्स जिपमर सारे सिलेबस आपको ईजिली अवेलेबल हो। सो ये रहा आप लोगों के लिए पूरा पेज, सो ये रहा आपका पूरा एग्रीकल्चर पोर्शन। अब आपको वीडियो समझ में आया होगा, ये वीडियो थी ICAR 2017, ये 2017 का पेपर था, सॉल्व पेपर वो था। और मैं ऐसे ही इस वीडियो के पीछे 2016, 2015, 2013 एंड 14 के भी वीडियो डालने वाला हूँ। अगर आपको वो अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट फॉर योर नॉलेज इंक्रीमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ICAR एग्जामिनेशन, डू वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।